हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुआ बरवान। अगेन आई एम हियर विद अ न्यू पर्सन। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैम हमें यूनिट 3 के बारे में जानना है। तो मेरे को यूनिट 3 लाइक कंप्लीट किए हुए 3 मंथ्स हो गए। तो मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, बट यू नो लोकेश इज द वन ऑफ द रिसेंट स्टूडेंट जो अभी यूनिट 3 में पढ़ रहे हैं। और मेरे को लगा कि यार मैं खुद बताऊंगी, एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, तो क्यों ना मैं उस बंदे को लूँ जो अभी खुद यूनिट 3 में है। सो हियर ही इज। तो हम जानेंगे, लोकेश आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself Lokesh Kumar Behra. I'm from Bundi, Rajasthan, and I completed my schooling from Johanna Udev Dalal Sitapura Bundi, and after that I did my college from Bangalore. I did AME course, that is aircraft maintenance engineering course, and after completion of this I did apprentice in Air India. Then I start working in Jet Airways. एंड उसके बाद मैं इंडिगो में एक साल काम किया, और कोविड के बाद वहाँ से मतलब स्टाफ इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण स्टाफ सेग्रीगेट किया, तो मैं वो भी निकाल दिया था। और उसके बाद मैं कुछ मेरी मॉम का कुछ कैंसर का इशू था, तो मेडिकल क्राइसिस के मतलब मेडिकल इशू के कारण मैं मतलब गेप आ चुका था, तो मैं जॉब नहीं कर पा रहा था। दोबारा वो लोग प्रेशर ले रहे थे। देन मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मतलब कुछ और ट्राई कर ले, तो फिर मैं वही ट्राई कर रहा था इधर उधर, और बोर्डिंग के लिए मैंने सोचा। Your journey is too inspiring. Okay. So, मतलब जैसे आपने बताया आप एरोस्पेस इंजीनियर थे, तो एरोस्पेस इंजीनियर से कोडिंग में आने का कैसे सोचा? और फिर जब सोचा तो ठीक है, लेकिन लगा कि मैं कोडिंग कर पाऊंगा? बिकॉज मुझे पता है कोडिंग लोग कर सकते हैं जब प्रैक्टिस सही हो, लेकिन प्रैक्टिस हो, बट यू नो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू टेक अ डिसीजन फ्रॉम एरोस्पेस इंजीनियर टू कोडिंग, बिकॉज मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि कोडिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे पिक्चर में आई लाइफ में, हाउ कोडिंग कम इनटू द पिक्चर। या जब मैं मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे दोस्त ने बताया, तो मैं सोचा था इट्स मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे लगा कि कुछ ये बस वैसे ही बोल रहा है, और रहते ना बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट वगैरह रहते, तो मुझे लगा कुछ ऐसे ही होगा, लाइक मेरे को बिलीव नहीं हुआ। और जब उसने बताया तो उसके अराउंड 6 मंथ तक मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, सिर्फ सोचता था, स्टडी भी किया, और कहीं कहीं बेड मतलब बेड कमेंट्स होती है, कहीं कहीं अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो सब सुन के मैं थोड़ा सोखता। और फिर जनवरी में उसने मेरे को बोला कि ट्राई कर, क्योंकि उसकी जो कंपनी में ना 2 नए लड़के आर्ट्स के थे, और वो मतलब ज्वाइन किए थे एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर। फिर जब यहाँ आए तो श्योर कैसे हुए कि बिल्कुल सही है? उसके बाद भी मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं इंस्टीट्यूट वापस से एरोस्पेस में जाऊँगा ना, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा जॉब्स बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में अराउंड 3 से 4 एयरलाइंस है, उसके अलावा कोई होप नहीं है। और मेरा मतलब कॉलेज से ना थोड़ा शौक भी था कि वो सब करने का, हालांकि मैंने चूज नहीं किया था, मुझे लगा जो सीएस करते हैं वही कोडर बनते हैं, तो इंटरेस्ट था। और फिर दोस्त ने मेरे को मोटिवेट किया कि ट्राई कर, एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स है, देन एक तो मसाई में आए फिनटेक टू हम लोगों से कि यार सही, सच में सही है, श्योर कब हुआ था कि बिल्कुल सही है? बिकॉज आने के बाद मेरा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं दिमाग में कि यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और मैं सही जगह हूँ कि नहीं। जब मसाई का मैंने वो मसाई का टेस्ट दिया, ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं अभी भी कर पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब इनका रहता है कि 1 मंथ तक हम तो ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कर पाओगे कि नहीं। और जब मैं 1 मंथ कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि जर्नी थोड़ी टफ है, बट कर लूंगा मतलब, और ऑप्शंस साइड में नहीं रखा, मतलब तो अब हम आते हैं कि अभी तक की आपकी मसाई की जर्नी कैसी है, एंड टफेस्ट यूनिट कौन सी लगी, अभी कौन सी यूनिट में हूँ? हालांकि मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सब चीजें मतलब टफ होती जा रही है, और सबसे टफ तो यूनिट 1 लगा, क्योंकि वो सब कुछ नया था और एकदम सब चीजें नई थी, सारे सिंटेक्स वगैरह, और जैसे जैसे पता चला तो चीजें थोड़ा समझ आने लगी, और हम
ट्राई भी करते रह रहे थे, तो इसीलिए यूनिट वन थोड़ा ज्यादा टफ लगा, बट उसके बाद भी टफ आते जा रहे, टॉपिक इजी नहीं है, बट अगर लगे रहोगे तो फिर हो जाएगा। कूल, ग्रेट। तो यूनिट थ्री की जर्नी के बारे में थोड़ा आप जानना चाहेंगे, बिकॉज ये टॉपिक यूनिट थ्री के ऊपर है। आपने क्या प्रॉब्लम फेस की और क्या अभी चल रहा है, कैसा सीन चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है यूनिट थ्री का? यूनिट थ्री में एंट्री करते ही यहाँ के मतलब कुछ अच्छे टॉपिक बोल सकते हो, और जो कि बहुत सारे डीएसए में बोले एडवांस एडवांस जेएस पढ़ाई जाती है, एडवांस जेएस है, वो ही आगे रेक में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर हमें एडवांस जेएस अच्छे से कर ली तो बोलते रेक थोड़ा आसान होगी। और मैंने एक बार यूनिट थ्री कर चुका हूँ, तो मुझे मतलब जब मैं एडवांस जेएस सीख रहा था तो उस समय मेरे को हवा भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके जो सिंटेक्स है और ES6 में जो पता नहीं चल पा रहा था। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो फिर भी प्रैक्टिस बहुत काफी कुछ की थी लास्ट टाइम, और इस टाइम मुझे एक्चुअली बहुत कुछ ना था कि यार यूनिट थ्री बहुत टफ है, मैं कैसे होगी। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैंने वो दिन मैं यूनिट थ्री, तो हुआ क्या था ना कि मतलब मैं बताती हूँ, मेरे को पहली यूनिट क्लियर करने में 3 मंथ लगे, ठीक है। उसके मतलब मेरा बहुत इशू हो गया था, तीन मैं खुद बताती हूँ, मैं 3 महीने में यूनिट वन क्लियर की हूँ, फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर आया पिक्चर के अंदर यूनिट थ्री। तो यूनिट थ्री का ऐसा सीन था कि 1 वीक निकल गया, 1 वीक के बाद ना आई वॉज लाइक यार मुझसे नहीं होगा, एडवांस जेएस यू नो हम लोग नॉर्मल जेएस पढ़ते हैं, यहाँ एडवांस जेएस यहाँ है बिल्कुल, उससे 10 गुना ज़रा टफ। तो मेरे को इतना लगा मतलब इतना अजीब लग रहा था कि यार मुझसे कैसे होगा, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई, सेल्फ डाउट जो होता है। तो फिर मैंने स्वर्ण सर जो मैं पढ़ाते थे यूनिट थ्री, उनसे मैंने बात की, मतलब उनको DM किया कि सर आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू, मुझसे नहीं हो रहा है। सर ने मुझे बोला दिव्या देख यूनिट थ्री मतलब कि देखो यूनिट थ्री टफ है, आई कैन मतलब एडवांस जेएस इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक बार में कर लोगे, अभी तो एक ही वीक निकला है ना। और उन्होंने हमें क्या दिया था, वेदर ऐप दिया था मतलब बनाने के लिए, तो मुझे आज भी याद है वो वेदर ऐप मेरी लिंक्डइन की पहली पोस्ट थी, एंड यू नो दैट वॉज वेरी ऑसम, मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की। फिर सर ने बोला कि जो ये बनाएगा ना मैं उसको मतलब मान जाऊंगा कि उसका वो सब कुछ कर लेगा, तो मैंने बना के सबको दूसरे दिनों शेयर किया। सर बोलती है तू बोल रही थी तेरे से नहीं होगा, फिर तूने ये कैसे किया, तो मुझे वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर ये था कि यार मैं कर पाऊंगी, मुझे पता बहुत डिफिकल्टीज आई बिकॉज यूनिट थ्री बहुत टफ है, और मतलब यूनिट वन और टू से नेक्स्ट लेवल यूनिट थ्री, तो आप लोगों को लग रहा है कि यार नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे 1 वीक 2 वीक मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। नंबरों से नहीं घबराना है, लर्निंग पे फोकस करना है यार हम लोग कितना कर रहे हैं, क्योंकि नंबर का ये होता है कि नंबर एक टाइम तक रहेंगे, मुझे पता है यूनिट मोमेंट में नंबर काम आते हैं, बट वो लोग नंबर नहीं असाइनमेंट भी देखते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट प्रॉपर कर रहे हो ना तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको पूरा टॉप करना है, 5 नंबर भी आ रहे 3 नंबर भी आ रहे डजंट मैटर, 4 में से 1 बिगड़ा है 2 बिगड़े हैं क्या फर्क पड़ता है उससे, जस्ट अपने साइड से पूरा ट्राई करो हो जाएगा। नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट थ्री में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी क्या होता है कि मतलब असाइनमेंट के चक्कर में ना कभी कभी एक असाइनमेंट बहुत टाइम ले जाता है, तो हमें डेली के जो टॉपिक है ना उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यूनिट मतलब सब कुछ सीखने के लिए। वो आसान नहीं है, हालांकि असिंग मिला तो उससे कोई मेरे को दुख नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को ऊपर से जा रही थी बर्बाद हो गया। तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? ऐसा कुछ नहीं है, असिंग का फायदा बहुत है, क्योंकि जो स्पीड से चलता है ना यहाँ पे मतलब जो जैसे कि जो लोग CS वाले होते हैं ना उनके लिए शायद इजी होता है, उनको उन्होंने सिंटेक्स वगैरह बहुत सारी चीजें पहले से सीख रखी होती है, और हमें क्या कुछ आइडिया नहीं होता, सब चीजें नहीं होती, तो सिंटेक्स सीखने में ही ना यूनिट चला जाता है ऐसे सोच में। और यूनिट मतलब हम फिर भी यूनिट मूवमेंट कर भी लेते हैं कोई लोग, तो उसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि उसको प्रैक्टिस करता रहेगा ना तो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज आगे बहुत इशू है। और जेएस एडवांस जेएस का सीखना मतलब उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब अभी आप यूनिट से हो, ठीक है, आपको तो आइडिया होगा रेक का कि रेक में एडवांस जेएस कितना React खुद अपने आप में बहुत टफ टॉपिक है, और उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी वरना मेरी जो ऑडियंस डर जाएंगे, बिकॉज उनको भी यूनिट से क्लियर करना है, उनको यूनिट से रिलेटेड बात करनी है। मेरे दोस्त है कुछ जो आगे मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि एडवांस जेएस पे जितना हो सके एडवांस जेएस यू नो एडवांस जेएस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
मतलब किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो, आप जॉब में जाओगे तब भी जेएस बहुत इंपॉर्टेंट, जेएस जो नाम आता है ना वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने तो मतलब लिंक्डइन में ये भी देखा है कि जावास्क्रिप्ट इंजीनियर्स भी होते हैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स भी होते हैं, तो जब उस टॉपिक के ऊपर पूरे डेवलपर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है वो इंपॉर्टेंट होगा ही, तो वो चीज है। हाँ तो बस यही था, बिकॉज ना मतलब यूनिट्री मतलब लोगों को लगता है यार नहीं होगा, क्योंकि मुझे मैं बताऊँ बहुत चीजें होती है जो लगता है मैं टफ होगी, बट इवेंचुअली वो लोग हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज हर चीज में ना हमें टाइम देना पड़ता है, और कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी सब सही होगा। बाकी डू यू वॉन्ट टू से समथिंग टू आर ऑडियंस एट द लास्ट? ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस लगे रहो और हार नहीं मानना। बाकी असिंक मिले, कुछ भी मिले, करते रहना है बस। मसाई हो, 6 months एक और जगह चीज, बच्चों को यहाँ ये भी कंफ्यूजन है प्लेसमेंट होते हैं कि नहीं होते मसाई में, तो आप बताओ प्लेसमेंट होते हैं प्लेसमेंट कि नहीं होते? होते हैं। मेरे कुछ दोस्त है, मतलब मेरा दोस्त है जिसने मेरे को सजेस्ट किया, उसकी कंपनी में आए, उसी की वजह से मैं मसाई ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं। उनकी कंपनी में 13 लोग हैं जिसमें से एक लड़की है, आई नो दैट, कौन सच? मैंने उसका मतलब ऐसे आईडी नहीं है कौन कौन है, बट हाँ मेरे को इतना पता है, उसने मतलब उसने पूरा कंफर्म करके बताया हमें। और मेरे साथ 3 4 लोग हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, और देखते हैं आगे, अभी थोड़ा देखो मिलते हैं, बाकी देखते हैं। देखो 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 गाइस, इन्होंने बता दिया इनके फ्रेंड भी हैं और जॉब है, तो ये तो मैं सोचा करूँ कि प्लेसमेंट नहीं होगा, मैं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को ऐसा बंदा मिले जो एक्सपीरियंस हो, बिकॉज यू नो मतलब बोलना अलग चीज है और होना अलग चीज है। मैं कंफर्म तो तभी बता पाऊंगी जब मेरा खुद का प्लेसमेंट होगा, तब आप लोगों को कंफर्म होगा कि यार सच में प्लेसमेंट होते हैं। बाकी उन्होंने बताया तो मेरे साथ भी कुछ मतलब दोस्त हैं जिनका हो चुका है या चल रहा है, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग ये है, यूनिट 3 टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, सो जस्ट कीप ट्राइंग एंड कीप गिव योर बेस्ट शॉट, बाकी सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, हम लोग मेरे चैनल वाले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और आई होप आपका सब कुछ सही चल रहा होगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, सी यू।